आपका खुशी लेडीज टेलर में स्वागत है। आप खुशी लेडीज टेलर को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप घर बैठे आसानी से मेरा वीडियो देख के चैनल देख के आप सीख सकते हैं कि किस तरह कटिंग की जाती है, किस तरह सिली स्टिचिंग की जाती है, हम दोनों बताएंगे। तो पार्ट वन में हम आपको प्लाजो का कटिंग करने बताए थे, पार्ट टू में आपको हम स्टिचिंग करने बताएंगे। तो चलिए वीडियो देखने से पहले हम आपको ये तो बात बोल दिए और आपका जो भी रिक्वेस्ट है, आप अगर नहीं समझ में आते हैं तो हमको कॉल करके अथी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम चलिए अब पार्ट टू में आपको सिलाई करने बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्लाजो को ये देखिए, दो कप मन चार होता है, तो हम ये थोड़ा फैल पर जब प्लाजो सिल रहे हैं तो उसको उल्टा करके हम स्टिचिंग कर लेंगे, दोनों ये वाला हम पकड़ लेंगे। सबसे पहले प्लाजो का उल्टी उल्टी साइड करके यहाँ दोनों कपड़ा मिलाकर हम स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हम इस कोना को सिल लिए हैं, इस पार्ट को सिल लिए, सेम इसी तरह इस पार्ट को भी हम सिल लेंगे। हम डबल सिलाई मार लेंगे। हल्का एक जगह कट लगा देंगे ताकि आपका कपड़ा इधर से मुड़ाए नहीं। दोनों साइड से हम इस कपड़ा को इस तरह करके हम सिलाई कर लेंगे।
फिर से एकदम धागा मार लेंगे। दोनों साइड से हम एक धागा मार लेंगे। देखिए दोनों साइड से सिल लिए हैं। अब हम इस जगह सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हम इसी तरह सिलाई दोनों साइड से कर लेंगे। ये हमारा फैल प्लाजो है। और डबल धागा मार लीजिएगा।
हमें कमर पट्टी को 2 इंच जो हम मारे थे 1.5 इंच, उसको हम इस तरह करके मोड़ लेंगे और हाथ से निशान दे देंगे। रबड़ का साइज आप देख लीजिएगा, क्योंकि 1/2 इंच आपका रबड़, 1 इंच आपका 1/4 इंच। ये रबड़ से थोड़ा सा कपड़ा को आप एक्स्ट्रा रखिएगा, ताकि आपका कपड़ा मोड़ने में जाए, और बीचों बीच सिलाई इस तरह करके और इस जगह ऐसे करके हम यहाँ स्टिचिंग कर लेंगे। आपको निकाल कर दिखा रहे हैं, जब हम पहले ऐसे ऐसे कर लेंगे निशान, और इसमें हम रबड़ ढुका लेंगे। यहाँ छोड़े हुए हैं तो रबड़ हम थोड़ा नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा रबड़ हम इतना एक्स्ट्रा रबड़ को कट कर लिए हैं, और इतना रबड़ जो है कमर का साइज से ही रबड़ दीजिएगा। और यहाँ से हम सेफ्टी पिन से हम रबड़ इस जगह ढुकाएंगे, इस तरह करके हम रबड़ ढुका लेंगे। नीचे थोड़ा कपड़ा रख लेंगे और थोड़ा सा ऊपर कपड़ा रख लेंगे, और बराबर सिलाई करके हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर 5-6 धागा मार लेंगे, ताकि हमारा रबर फूले नहीं। रबर से कम 6 से 7 बार धागा मार लेंगे, इसलिए मार लेंगे ताकि हमारा धागा बीच में जाके अंदर खुले नहीं। और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे, हम इसलिए कपड़ा दिए थे कि रबर मेरा मशीन जल्दी पकड़ता नहीं है, और कपड़ा देने से क्या होता है, छूटता नहीं है।
और इस जगह हम पहले मार लेंगे सिलाई। को ऐसे ऐसे करके घुमा लेंगे कपड़ा को ताकि हमारा रबड़ मुड़ाए नहीं। नीचे अब हम वो सब रेडी हो गया है। देखिए कमर हम अब रबर लगा के अच्छी कर लिए हैं और अब हम नीचे साइड हम मोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे। हाँ, इसी तरह हम मोड़ते हुए पहले हम अपना हाथ से मोड़ लेंगे इस तरह करके, तब जाके हम मशीन चलाएंगे, तो नहीं तो बड़ छोट हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा हम मोहरी के हल्का हल्का कपड़ा लेके सिल लेंगे। देखिए हम नीचे साइड
सिल लिए हैं, सेम उसी तरह हम ऊपर साइड भी सिल लेंगे, सॉरी दोनों साइड सिल लेंगे, दोनों गोड़ा को हम रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों घोड़ा हम सिल लिए, प्लाजो में जो जेब होता है हम उसे सिल लेंगे। देखिए हम जेब लगा रहे हैं, इसको जेबली बोलते हैं, बगली बोलते हैं। देखिए हम जेब लगाए हैं, जेब का ये पॉकेट जो लगाए हुए हैं का ऊपर से हम एक इस तरह करके धागा मार लेंगे। दोनों साइड से मार लेंगे। जेब हमारा लग गया है और इस तरह आप सामान रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। और ये जगह हम अंदर से सिल लेंगे।
और फिर प्लाजो को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। यह है, अगर मेरा प्लाजो आपको सिलना आसान लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।